इसे लेकर एससी एसटी और ओबीसी सड़क पर उतरेंगे और करेंगे आंदोलन। जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन समाज की अपडेट। दोस्तों, भोजन समाज के लिए जो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का एक छात्र ने किया बहिष्कार। तो क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताता हूँ। बीते 15 दिसंबर 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक दीक्षांत समारोह हुआ था। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एक छात्र है जिनका नाम है रामेंद्र नरेश, इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों से मेडल लेने से इनकार कर दिया। यह छात्र 2013 से 2016 के सत्र का मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का छात्र था और रामेंद्र नरेश ने फाइनल एग्जाम में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था। और दोस्तों, रामेंद्र नरेश गोल्ड मेडलिस्ट छात्र है। लेकिन दोस्तों, बात निकल कर आती है कि इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों से मेडल लेने से क्यों किया इनकार। तो दोस्तों, इसके ऊपर रामेंद्र नरेश का कहना है कि जब से देश में आरएसएस के नियंत्रण वाली भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से देश के हर हिस्सों में दलितों के साथ उत्पीड़न और शोषण की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। खास तौर पर विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में दलित छात्रों के साथ उत्पीड़न और सौतेला व्यवहार किया जाने लगा है। मैं इन घटनाओं से काफी ज्यादा दुखी हूँ। आखिर दलित भी तो इंसान होते हैं, इसलिए मैंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथ से मेडल लेने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये कहना था रामेंद्र नरेश का। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने सही किया या गलत किया, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली अपडेट भोजन समाज के लिए ये है कि भाजपा के एक नेता है और ये है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है, इनका नाम है दिनेश शर्मा। दोस्तों, दिनेश शर्मा जी ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर एक विवादित बयान दिया है। आगरा के अंदर दिनेश शर्मा जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बिल्ली चूहा नेवला और सांप का गठबंधन कह दिया। दोस्तों, दिनेश शर्मा जी का कहना था कि जो दोनों पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, यानी कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन, यह गठबंधन सांप नेवले और चूहे बिल्ली का गठबंधन है। चलिए भैया, दिनेश शर्मा जी ने तो कह दिया कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन सांप नेवले चूहे बिल्ली का गठबंधन है। लेकिन दिनेश शर्मा जी, एक बात ये भी बता दीजिए, आप लोगों का जो गठबंधन है, यानी कि जो एनडीए का गठबंधन है, इसमें भी तो 35-40 पार्टियां सम्मिलित है एनडीए गठबंधन में, तो आपका जो गठबंधन है वो काय का गठबंधन है? अगर दोस्तों आप लोगों को पता है एनडीए गठबंधन काय का गठबंधन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिनेश शर्मा जी, ये जो गठबंधन है ना, ये बहुजनों का गठबंधन है, इससे इतने बौखलाइए मत, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो हम तुम्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे। दोस्तों, क्या बोलते हो? दोस्तों, अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो भी निकल कर आ रही है बीजेपी के एक मुख्यमंत्री की तरफ से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 10% रिजर्वेशन से गरीब सवर्णों को बहुत फायदा मिलेगा और यह कदम प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ और सबका विकास एजेंडे की दिशा में काम कर रहे हैं। और त्रिवेंद्र रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए मोदी को 21वीं सदी का अंबेडकर बता दिया। दोस्तों, त्रिवेंद्र रावत की इस बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि एक फैक्ट बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा 12-13 डिग्रिया और कहा बिना डिग्री, मतलब समझे हो तो नीचे जाकर कमेंट जरूर कर देना। याद रखिए, कहा 12-13 डिग्रिया और कहा बिना डिग्री, यानी कि कोई कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है इसके बीच में। अगर मतलब समझ गया हो तो नीचे कमेंट में जवाब आ जाना चाहिए आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वो गरीब सवर्णों को, हालांकि गरीब तो कोई सवर्ण होता नहीं है, लेकिन सवर्णों को जो 10% रिजर्वेशन देना चाहती है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। एक एनजीओ है जिसका नाम है यूथ फॉर इक्वेलिटी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि जो संशोधन बिल केंद्र सरकार ला रही है यह असंवैधानिक बिल है। याचिका में कहा गया है कि आर्थिक रूप से आरक्षण देना गैर संवैधानिक है, इसलिए संशोधन बिल को निरस्त किया जाए। आगे यूथ फॉर इक्वलिटी एनजीओ ने कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% तक तय है, उन्होंने आर्थिक रूप से आरक्षण को देना असंवैधानिक बताया है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आगे अपडेट में ये है कि जो स्वर्ण आरक्षण का बिल लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसे लेकर एससी एसटी और ओबीसी सड़क पर उतरेंगे और करेंगे आंदोलन।
दोस्तों सामान्य वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण के खिलाफ कुछ लोगों ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने कुछ सामाजिक संगठन और कुछ राजनीतिक संगठन ने मिलकर सामान्य वर्ग के आरक्षण का विरोध किया। इसमें यादव सेना के अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने कहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। यह आरक्षण के बदलाव की नहीं उसके खात्मे की तैयारी की जा रही है और हम लोग इसे सहन नहीं करेंगे। दोस्तों सवर्णों के आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कुछ ओबीसी संगठनों ने भी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के ओबीसी संगठनों ने 25 फरवरी को आरक्षण के खिलाफ राज्य भर में रैली करने की धमकी दी है। महाराष्ट्र के ओबीसी संगठनों का कहना है कि ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात आरक्षण मिले। यह विरोध ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा दर्ज कराया गया है। दोस्तों अगली अपडेट यूपी के अंदर से है और बहुत बड़ी खुशी निकल कर आ रही है क्योंकि 12 जनवरी 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। यह दोनों बड़े नेताओं मायावती जी और अखिलेश यादव जी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 जनवरी 2019 को 12 बजे होटल ताज गोमती नगर लखनऊ में होगी। इसमें सभी मीडियाओं को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों जो आमंत्रित किया गया है मीडिया निमंत्रण वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये है, आप देख सकते हैं, नीचे सब कुछ पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें राजेंद्र चौधरी राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के उनके साइन है और सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव उनके भी साइन है। इसके बारे में जो भी अगली अपडेट निकल कर आएगी आपको सिर्फ आपके अपने चैनल भारत दस्तक पे मिलेगी, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें बिना कहीं पर मत जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भोजन समाज की अपडेट्स है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप रोजाना भोजन समाज की न्यूज भोजन समाज की अपडेट और क्या क्या भोजन समाज में हो रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है ना उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।